नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी दर्शकों का इस चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा जैसी बीमारियों में उपयोगी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियाँ इन सभी समस्याओं में उपयोगी होती हैं तथा इन सभी औषधियों का प्रयोग कब और कैसे कितनी मात्रा में करना चाहिए। आज के समय में अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार की चिंता में हैं, तनाव में हैं, टेंशन में हैं और छोटे बच्चों को छोड़कर कोई भी तनाव मुक्त या चिंता मुक्त नहीं है। बड़े बच्चों को पढ़ाई का टेंशन है, पढ़ाई के बाद करियर का टेंशन है, जॉब का टेंशन है और जॉब वालों को बॉस का टेंशन है, ड्यूटी का टेंशन है, काम धंधे वाले को रोजी रोटी का टेंशन है, किसान को फसल की टेंशन है, व्यापारी को व्यापार की टेंशन है। इसके अलावा लोगों को घर बार का टेंशन है, परिवार का टेंशन है, बीमारी का टेंशन है, बीमार का टेंशन है। तो इस प्रकार सभी लोग किसी न किसी प्रकार की चिंता में हैं, तनाव में हैं, टेंशन में हैं और इस टेंशन के कारण लोगों को बीपी की समस्या हो रही है, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट की समस्या हो रही है और साथ ही साथ अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आने की समस्या भी हो रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसी तनाव, स्ट्रेस या चिंता को दूर करने वाली आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप मुझसे किसी प्रकार की चिकित्सा संबंधी सलाह लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मात्र 149 रुपए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके फिर फोन कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपनी समस्या बताकर मुझसे चिकित्सा संबंधी सलाह ले सकते हैं। लेकिन आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया फोन कॉल सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच तथा शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच ही करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के विषय को। तनाव, चिंता, चिड़चिड़ाहट, इन सभी समस्याओं को आयुर्वेद में मानस रोग कहा गया है, यानी कि मानसिक रोग के अंतर्गत लिया गया है। और इन सभी समस्याओं में मनोवाही स्रोतस पर काम करने वाली आयुर्वेदिक औषधियां उपयोगी होती हैं। इस प्रकार की सभी औषधियां मन को शांत रखने का काम करती हैं। ये सभी औषधियां निद्राकारी होती हैं, मतलब नींद को लाती हैं तथा बीपी को कम करने का काम करती हैं एवं दिमाग को दुरुस्त करके स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखती है। तो आइए जानते हैं ऐसी औषधियों के बारे में। ब्राह्मी, ब्राह्मी के प्रयोग से मस्तिष्क के दुर्बलता संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। ब्राह्मी स्मरण शक्ति और बुद्धि को बढ़ाता है तथा चिंता एवं तनाव को दूर करता है। और यह ब्राह्मी ब्राह्मी चूर्ण के रूप में, टैबलेट के रूप में या कैप्सूल के रूप में दवा दुकानों में उपलब्ध है। आवश्यकता अनुसार इस टैबलेट को 1 से 2 टैबलेट की मात्रा में या चूर्ण के रूप में 500 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह और रात में भोजन करने के बाद दूध के साथ लेना अच्छा होता है। ब्राह्मी की तरह ही तगर, जटामांसी, इंद्री और मंडूकपर्णी, ये सभी औषधियां मानसिक तनाव को कम करने का काम करती हैं तथा निद्राकारी होती हैं, मतलब कि अनिद्रा की समस्या को दूर करती हैं, नींद संबंधी तकलीफों को दूर करती है और अच्छे से नींद लाने का काम करती है। और ये सभी दवाइयां चिड़चिड़ाहट और चिंता को दूर करके मन को शांत रखने का काम करती हैं। और ये सभी दवाइयां भी आयुर्वेदिक दवा दुकानों में चूर्ण के रूप में, टैबलेट के रूप में या कैप्सूल के रूप में उपलब्ध हैं। इन सभी दवाओं को भी आवश्यकता अनुसार 1 से 2 टैबलेट की मात्रा में या चूर्ण के रूप में 500 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह और रात में भोजन के बाद लेना चाहिए। और इन सभी दवाओं के अलावा एक और दवा है जो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, वह है अश्वगंधा। अश्वगंधा का प्रयोग स्ट्रेस तथा एंजाइटी में अत्यंत फायदेमंद होता है और यह न केवल स्ट्रेस तथा एंजाइटी को दूर करता है बल्कि नींद को लाने में भी बहुत बढ़िया उपयोगी होता है। इसके प्रयोग से अच्छी नींद आती है तथा चिंता एवं तनाव दूर होता है। और यह अश्वगंधा भी दवा दुकानों में चूर्ण के रूप में, टैबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में उपलब्ध है। कैप्सूल के रूप में इसे 1 या 2 कैप्सूल के रूप में सुबह और शाम में खाना खाने के बाद प्रयोग किया जा सकता है तथा चूर्ण में इसकी मात्रा 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक सुबह और रात में भोजन के बाद दूध के साथ लेना चाहिए। और जिन लोगों को टेंशन के साथ साथ हाइपरटेंशन की समस्या होती है, मतलब जिन लोगों को तनाव के साथ साथ बीपी की समस्या भी होती है, ऐसे लोगों के लिए सर्पगंधा बहुत बढ़िया काम करता है क्योंकि सर्पगंधा न केवल बीपी को कम करने में इफेक्टिव होता है बल्कि यह चिंता तथा तनाव को भी दूर करने का काम करता है। इस प्रकार ब्राह्मी, तगर, जटामांसी, इंद्री, मंडूकपर्णी, अश्वगंधा और सर्पगंधा, ये सभी एकल औषधियों के रूप में मानसिक चिंता तथा तनाव को दूर करती हैं और इन्हीं को आपस में मिलाकर योग बनाया जाता है या कॉम्बिनेशन के रूप में भी ये दवाइयां फायदेमंद होती हैं। जैसे कि ब्राह्मीवटी, ब्राह्मीवटी में ब्राह्मी के साथ साथ जटामांसी, गावचवा और शंख पुष्पी तथा अन्य औषधियां मिली हुई होती हैं जिसके कारण यह सिंगल ड्रग की अपेक्षा ज्यादा फायदेमंद होती है तथा ज्यादा और जल्दी लाभ पहुंचाती हैं।
इसी प्रकार स्वर्णयुक्त ब्राह्मी वटी भी और ज्यादा लाभकारी होती है। ब्राह्मी वटी को 1 से 2 गोली की मात्रा में सुबह और रात में भोजन के बाद लेना चाहिए। चिंता एवं तनाव को दूर करने के साथ साथ अन्य दिमागी समस्याओं के लिए इसी प्रकार सारस्वता रिष्ट का प्रयोग भी बहुत प्रभावी होता है। कई लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, चिंता एवं तनाव के साथ साथ चक्कर, कमजोरी, बेचैनी एवं घबराहट की भी समस्या होती है, तो ऐसी स्थिति में सारस्वता रिष्ट का प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है। ऐसी अवस्था में सारस्वता रिष्ट का प्रयोग करने से बहुत शीघ्र लाभ मिलता है। सारस्वता रिष्ट का प्रयोग 10 ml से 15 ml की मात्रा में समान मात्रा में या आधा कप पानी में मिलाकर सुबह और रात में भोजन के बाद करना चाहिए। इसके अलावा पतंजलि कंपनी की मेधावटी और मुक्तावटी, ये दवा भी मेंटल स्ट्रेस तथा एंजाइटी को दूर करने में इफेक्टिव होती है। इसी प्रकार हिमालय का मेंटेट सिरप भी चिंता तथा तनाव को दूर करने में उपयोगी होता है। लेकिन इन सभी दवाओं का उपयोग करने से पहले एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य लेना चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही इन दवाओं का उपयोग करना ज्यादा अच्छा होता है। इन सभी खाने वाली दवाइयों के अलावा कई आयुर्वेदिक दवाइयां तेल के रूप में भी बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग शिरोधारा के रूप में या शिरो अभ्यंग के रूप में, मतलब बाह्य प्रयोग के रूप में सिर मर करने से चिंता तथा तनाव की समस्या दूर होती है। अणु तेल और षड बिंदु तेल, इन दवाओं का नश्य के रूप में भी लेने से, मतलब इन दवाओं को 2-2 बूंद नाक में डालने से भी चिंता, तनाव तथा सिर दर्द और अन्य मानसिक विकारों में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इन सभी दवाइयों के अलावा कुछ और क्रियाकलाप हैं जिनसे तनाव या चिंता की समस्या को मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि योग, आसन, प्राणायाम या किसी भी प्रकार का फिजिकल वर्कआउट हमारे चिंता तथा तनाव को दूर करके हमारे मूड को बेहतर बनाने का काम करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। इसलिए प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा योग, व्यायाम या किसी भी प्रकार का फिजिकल वर्कआउट अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा हफ्ते में एक आध दिन अपने रूटीन काम से ब्रेक लेकर घर परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ मेल मिलाप, वार्तालाप, बातचीत, घूमना फिरना तथा अपनी समस्याओं को शेयर करना, बतलाना, इन सभी से भी मानसिक तनाव तथा चिंता की समस्या कम होती है। और कुछ लोग अपने चिंता तथा तनाव को दूर करने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, जैसे कि सिगरेट, शराब या अन्य नशा। नशा करने से चिंता या तनाव तो दूर नहीं होता है, बल्कि शरीर और बीमार हो जाता है तथा नशे की लत लग जाती है, जिससे बाद में और ज्यादा समस्या होती है। अतः चिंता तथा तनाव को दूर करने के लिए किसी भी प्रकार के नशे के सेवन से बचना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हम अपनी जीवन शैली को थोड़ी सी व्यवस्थित करके तथा बताए गए आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करके अपने तनाव तथा चिंता को दूर कर सकते हैं तथा चिंता मुक्त जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन इन आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करने से पूर्व एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।